एक और बंद पड़ी हुई माइन। मेरे साथ आओ स्टारस्क्रीम। माय लॉर्ड, किसको पता था कि मजबूत सिपाही बनाने के उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इतनी तकनीकी की मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तुम्हारी गलती की वजह से इंसेक्टिकॉन चले गए और आधी फौज खत्म हो गई। माफ कर दीजिए मास्टर, मेरे इरादे नेक थे। प्लीज प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मत मारिए। ये तो शॉक वेव की लैब है। काफी अच्छी है। प्रेडिकॉन क्लोन्स लगभग इवॉल्व हो चुके हैं और 3 दिन में लड़ने के लिए तैयार होंगे। बहुत अच्छे शॉक वेव, नॉकआउट। कहां रह गए? आ रहा हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। सिंथेटिक एनर्जॉन की बाकी सप्लाई लेकर ट्रूप्स यहां आते ही होंगे। लॉर्ड मेगाट्रॉन के प्रेडिकॉन फोर्ज के तैयार होने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि ये काम के हैं या नहीं। बददिमाग बीस्ट, तुम बिना इजाजत यहां पर कैसे आ गए? हाँ, आइंदा मुझे मारा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे नहीं पता था कि ये भी ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। मुझे भी नहीं, मैं बीस्ट नहीं हूं। ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत साइबरट्रॉन बायोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। जब से प्रेडिकॉन्स खत्म हुए हैं तब से ये ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसे पता चले कि वो इस एवोल्यूशनरी स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो आज पता चल गया। तो वो खबर सही थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। तुमने आज तक ये राज छुपा कर क्यों रखा? मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे हाल ही में इस काबिलियत का पता चला। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं शिकार करता था और लड़ता था और बेइज्जती सहता था, तभी मेरे अंदर सवालों की चिंगारी भड़क उठी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? वॉरशिप के बैंक से ऐतिहासिक जानकारियां तो मिली, लेकिन फिर भी मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। तो मैं आज में अपना वजूद ढूंढने लगा और सोचने लगा कि क्या मैं बाकियों जैसा बन सकता हूं, और आज मैं बन गया। तुम मामूली नहीं, तुम एक चमत्कार हो। शॉक वेव के साइबर न्यूक्लियक एसिड और तुम्हारे पूर्वजों की हड्डियों से बनाए हुए एक चमत्कार। डॉक्टर, तुम्हारे सिंथेटिक एनर्जॉन के एक्सपेरिमेंट्स कहां तक पहुंचे? कोशिश लगातार जारी है कमांडर, जरूरी औजारों की कमी की वजह से काम धीमा चल रहा है। तुम्हें एहसास है ना कि एक दूसरे एनर्जी सोर्स की हमें कितनी जरूरत है?
यकीन मानिए अल्ट्रा मैग्नस, इस बात का एहसास मुझसे ज्यादा और किसी को नहीं है। बेशक। बीस्ट हंटर्स, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम ग्रिड 305 में प्रेडिकॉन की हड्डियां क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? क्योंकि हम अभी 301 से 304 तक के ग्रिड्स ढूंढ कर लौटे हैं। और नियम के मुताबिक हमने रिपोर्ट बना दी है कमांडर मैग्नस। सो सिपाही, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बेस से जाने की इजाजत दी हो। क्योंकि आपने नहीं दी थी सर। तुम पर कूलेंट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैंने आपके शिप इंजन्स को ठीक कर दिया है सर। अब वो 10 गुना ज्यादा रफ्तार और ताकत से उड़ा करेगी। आइए ऑप्टिमस, देखकर खुशी हुई। आपका ही इंतजार कर रहे थे। डिसेप्टिकॉन्स बड़े शांत हैं। मुझे डर है कि मेगाट्रॉन को जितने स्पेसिमेन चाहिए थे वो मिल गए होंगे। क्लोन्स बनाने के लिए। मुझे बनाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इसलिए मैं हमेशा आपका ही वफादार रहूंगा, मेरे असली मालिक का। लेकिन जल्द ही मेरे जैसे कई और हो जाएंगे, तो मेरी दरख्वास्त है कि मुझे उनका लीडर बनाया जाए, प्रेडाकिंग के नाम से। इस बात पर गौर करूंगा। आज तो वो बीस्ट वफादार गुलाम बनने के दावे कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है जिस वक्त वो जान जाएगा कि उसमें इतनी ताकत है जितनी किसी भी दूसरे डिसेप्टिकॉन में नहीं, तो वफादारी गद्दारी में बदल जाएगी। एक ही रास्ता बचा है, प्रेडिकॉन्स के क्लोन्स को खत्म करना, इससे पहले कि वो मौका मिलने पर हमें खत्म कर दे। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आप ये कह रहे हैं कि शॉकवेव के चहीते प्रोजेक्ट प्रेडाकॉन को बर्बाद कर दिया जाएगा? आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मेरे हुजूर। लेकिन अगर उस शैतान को हमारी शैतानी के बारे में पता चल गया तो? उसे भनक भी नहीं पड़ेगी कि इसमें हमारा हाथ था, क्योंकि उसके सामने ऐसे हालात बनाए जाएंगे जिससे उससे लगे कि उसके साथियों को मिटाने वाले ऑटोबॉट्स हैं। फिर या तो वो बीस्ट हमारे दुश्मनों को मार देंगे, या तो वो खुद उनके हाथों मिट जाएंगे। अल्ट्रा मैग्नस, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमांड करने के तरीकों से कोई भी खुश नहीं है। तुम बस अपना फर्ज निभा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन ये एलीट गार्ड नहीं है। साइबरट्रॉन की जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है, और हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। टीम प्राइम के मेंबर्स सिर्फ मशीन्स नहीं हैं, वो अब एक फौज से भी बढ़कर कुछ बन चुके हैं। वो बन गए हैं ऑप्टिमस। हमारे स्कैनर्स को एनर्जॉन सिग्नल मिल रहे हैं। हमारे एनर्जॉन की कमी की वजह से हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। डिसेप्टिकॉन्स, एनर्जॉन को हमारे हवाले कर दो और चले जाओ। इतना सारा फ्यूल। स्टेल्थ टीम, तुम ये सब लेकर वापस लौटो। रैकर्स, माइन में जाकर छानबीन करो। मैं तो कब से रैकर्स के साथ काम करना चाहता था।
एनर्जॉन सिग्नल्स नहीं है और सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अलग हो जाओ। एक की भी सूरत देखने लायक नहीं है। जितना सोचा था मेगाट्रॉन की क्लोनिंग का काम उससे आगे बढ़ चुका है। स्टारस्क्रीम, ऑटोबॉट्स आ चुके हैं। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की कि प्लान हरकत में आ चुका है? ताकि उन्हें लगे कि ये चाल नहीं बस इत्तफाक है। मुझे लैब से कुछ जरूरी मटेरियल्स लेने हैं। जो करना चाहते हो वो करो शॉक वेव। ओवर एंड आउट। तुमने जानबूझकर उसे खबर नहीं दी थी ना? साउंड वेव, जल्दी से मेरे लिए ग्राउंड ब्रिज खोलो। मेगाट्रॉन, प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन पर कमबख्त ऑटोबॉट्स ने धावा बोल दिया है। ये कैसे मुमकिन है? स्टारस्क्रीम, जल्दी अपनी फौज को भेजो। अभी लीजिए मेरे हुजूर। नहीं, अगर मेरे साथ ही खतरे में हैं, तो मैं ही उन्हें बचाऊंगा। क्या मुझे उस छोटी जगह पर ग्रेनेड फेंकने की इजाजत है सर? अगर इन राक्षसों और इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के बीच सिर्फ हम ही हैं, तो फिर जरूर फेंक सकते हो। इन सब की धज्जियां उड़ाकर रख दो। अब ये कौन है? वो ही जिसने पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ेगा। ये वही प्रेडिकॉन है। वो क्या था? तुमने मेरे साथियों के साथ क्या किया? बताओ तुमने क्या किया? Ugh!
अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। तो आपको बर्दाश्त करना सीखना शुरू किया था। तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। तुम नहीं बच पाओगे। राचिट तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैग्नस एक रैकर की तरह लड़े। ऑप्टिमस, आप बता रहे थे कि एक फौज से बड़ा क्या हो सकता है? एक इंसानी जज्बा, जिसके बारे में हमने यहीं पर आकर सीखा। परिवार,
मायूस मत हो प्रणाकिन, मैं कसम खाता हूं कि उनकी इस हरकत का बदला मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। शॉकवेव बोलो। ये सच है मेरे हुजूर, प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। मैं उनके एक भी पुर्जे को ढूंढ नहीं पाया, फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको आकर देखना चाहिए। ये क्या है? प्योर साइबरट्रॉनियन साइबर मैटर, कुछ ऐसा जो हमारे प्लैनेट पर कभी मौजूद नहीं था, यहां पर बनाए मेरे किले में भी नहीं था। क्या इसकी वजह वो धमाका था? बिल्कुल, लेकिन इस साइबर फॉर्म के बनने की वजह सिर्फ साइबर न्यूक्लिक एसिड नहीं है। हालात से साफ जाहिर होता है कि ये ऐसा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ एक और चीज थी, सिंथेटिक एनर्जॉन।